हेलो फ्रेंड्स, डिफेंस दर्पण में आपका स्वागत है। महज 15 मिनट और मिट सकता है रूस की राजधानी मॉस्को का नामो निशान। महज 15 मिनट में तबाही हो सकती है चीन की राजधानी बीजिंग की। अगर 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक हुआ तो ना तो चीन बचेगा और ना ही रूस। सुपर पावर अमेरिका ने अपनी महामिसाइल की ताकत का ट्रेलर दिखाया है। अमेरिका ने आवाज़ की गति से 21 गुना ज़्यादा रफ्तार से चलने वाली मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया है, जो 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहर बरपा सकती है, यानी दुश्मन को संभालने तक का मौका नहीं मिलेगा। अमेरिका ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवाया है और ये बताने की कोशिश की कि उसे सुपर पावर क्यों कहा जाता है। यूएस ने अपने खतरनाक मिनटमैन 3 मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया तो दुनिया सकते में आ गई। इसकी ताकत ही कुछ ऐसी है कि आप जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। मिनटमैन 3 ICBM की स्पीड 21 मैक है, यानी करीब 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार। मिनटमैन 3 ICBM करीब 10,000 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है, जहां अमेरिका ने 19 अप्रैल की सुबह 5:11 पर मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत को परखा। अमेरिका ने अपने महामिसाइल का परीक्षण कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस पर किया। अमेरिकी मिसाइल मिनटमैन 3 अपने साथ 3 परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिसाइल एक साथ 3 जगहों पर परमाणु हमला कर सकती है। दुश्मनों के हमले से बचाने के लिए मिनटमैन 3 मिसाइल को जमीन के अंदर बने हार्ड साइलों में रखा जाता है। ये साइलो केबल के जरिए जमीन के अंदर बने लॉन्च कंट्रोल सेंटर से कनेक्टेड होते हैं। इस कंट्रोल सेंटर में 24 घंटे 2 अधिकारी तैनात होते हैं, जो पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। इनको लॉन्चिंग का आदेश सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के पास मौजूद न्यूक्लियर कोड के जरिए दिया जाता है, जो एक सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए सीधे संपर्क में रहते हैं। अगर लॉन्च कंट्रोल सेंटर और राष्ट्रपति के पास मौजूद रिमोट मिसाइल लॉन्च फैसिलिटी के बीच कम्युनिकेशन टूट जाता है तो अमेरिका का डूम्सडे विमान यानी E-6B एयरबोर्न लॉन्च कंट्रोल सेंटर हरकत में आ जाता है। इसके पास अमेरिका की परमाणु मिसाइल लॉन्च करने का कंट्रोल होता है। चीन और रूस से सेंटर के बीच सुपर पावर अमेरिका अपने तर्कश में विध्वंस के नए नए हथियारों को जमा करने में जुटा है। वैसे हथियार जो परमाणु बम लेकर उड़े और पलक झपकने से पहले ही दुश्मन की धरती को बंजर बना दे। अमेरिका की मिनटमैन 3 मिसाइल के परीक्षण ने सैन्य तनावों को बढ़ावा दिया है और इससे हथियारों की होड़ शुरू करने का खतरा बढ़ गया है। रूस के साथ किया गया शीत युद्ध के दौर का INF समझौता अमेरिका की ओर से रद्द किए जाने के बाद से अमेरिका लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है। दरअसल INF समझौता परमाणु और मध्य दूरी के पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल को सीमित करता है, लेकिन अब हालात कुछ और ही नजर आ रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह चुके हैं कि अगर अमेरिका इस तरह की आक्रामक पॉलिसी तैयार करता है तो रूस भी ऐसा करेगा, यानी दुनिया को बारूद के ढेर पर बैठाने की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि पेंटागन के प्रवक्ता ने मिनटमैन 3 के मिसाइल की इस परीक्षण को एक टेस्ट रूटीन करार दिया। उन्होंने कहा कि इस परीक्षण का उद्देश्य ये दिखाना है कि अमेरिका का परमाणु शस्त्रागार कितना तैयार है। अमेरिका के पास मिनटमैन 3 ICBM की तरह कई घातक हथियारों का बड़ा जखीरा है। अमेरिकी सेना के पास ऐसे 4,500 हथियार हैं और जिनकी मारक क्षमता 8,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र अब अमेरिका और रूस के बीच जारी तनाव पर है। अगर दोनों के बीच तल्खी बढ़ गई तो ये युद्ध जैसा विध्वंसक रूप धारण कर सकता है। अगर आपको हमारी ये खबरें अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएं।